देखिए आप देख पा रहे हो 6 फुट इतना बड़ा यहाँ पर सांप है इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं में, देख पा रहे हो। हमारा बीता हुआ पल बहुत ही गौरवशाली था और हमारी सभ्यता भी, लेकिन आज वह वक्त के साथ नामशेष हो चुकी है। जय भीम, नमो बुद्धाय, आप सभी का स्वागत है आपके चहेते चैनल पर जिसका नाम है बोधिसत्व। इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम प्राचीन भारत का इतिहास देख रहे हैं। इसमें आमतौर पर प्राचीन बौद्ध गुफाएं और प्राचीन बौद्ध स्तूपों की जानकारी ले रहे हैं। तो आज का यह वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज हम जाने वाले हैं महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के पाथर्डी तहसील के कराड़वाड़ी नाम के गाँव में। इस कराड़वाड़ी नाम के गाँव में कहा जाता है सटवाई नाम का प्राचीन मंदिर है और उसकी पूजा करने पर लोगों के जो भी मनोकामना है वह पूरी होती है। दरअसल यह कोई मंदिर नहीं बल्कि यह प्राचीन बौद्ध गुफाएं है और जिसे यह लोग मंदिर बताते हैं। दरअसल यह एक प्राचीन चैत्य स्तूप है। जी हाँ, इस प्राचीन बौद्ध गुफा में हमें एक बड़ा चैत्य दिखाई देगा, उस चैत्य का आकार हमें दिखाई देगा और उस चैत्य में निर्माण हमें एक प्राचीन बौद्ध स्तूप दिखाई देगा जो कि अरहंत का बौद्ध स्तूप वहाँ पर है और प्राचीन काल में स्तूप को तथागत बुद्ध की प्रतिकृति समझा जाता था। तो यह सारी चीज़ें और उसके साथ साथ वहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि विहार हो और ध्यान कक्ष, यह सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ हम यह भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे यह जो सटवाई माता है यह लोगों की अज्ञान के वजह से किस तरह से इस प्राचीन बौद्ध गुफा में आई और किस प्रकार इस प्राचीन बौद्ध गुफा में सटवाई माता जी का अतिक्रमण हुआ है। तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे अनुरोध है इस वीडियो से शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो यहाँ तक जाने के लिए हम मुंबई हो या पुणे हो तो यहाँ से हमें ये पाथर्डी तक जाने के लिए 30 गांव तक जाना होगा और 30 गांव से हमें इस कराड़वाड़ी गांव तक जाने के लिए कोई भी छोटा मोटा वाहन मिलेगा, लेकिन वहां जाते समय सतर्कता रखें क्योंकि वहां तक ज़्यादातर कोई वाहन जाता नहीं। ये अभी तो 5 किलोमीटर पहले हमें उतरना पड़ता है और 5 किलो से आगे का रास्ता पैदल या फिर आपके वैयक्तिक वाहन हो या फिर आपके पास 2-व्हीलर हो तो उसका इस्तेमाल करके आप वहां तक जा सकते हो। अगर आप बस से जा रहे हो तो आपको बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, कम से कम 6-7 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा। ये शिरापुर नाम का गांव है, वहां से ही इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का मार्ग गया हुआ है। लेकिन आप यह जो प्राचीन बौद्ध गुफा है दरअसल कराड़वाड़ी इस गांव के हद में आती है तो वहां तक जाने के लिए हमें पैदल ही जाना पड़ेगा और जितने नज़दीक तक हमारी 2-व्हीलर जाएगी उतने नज़दीक तक हम जा सकते हैं। आगे का जो रास्ता है हमें पैदल ही तय करना पड़ेगा और वहाँ तक जाते समय साथ में आप अपने वाटर बैग्स रखें और साथ ही कुछ खाने पीने का सामान भी रखें क्योंकि वहाँ पूरी झाड़ियाँ है और पूरा घना जंगल है। तो अभी ज़्यादातर अभी हम देख पाते हैं धूप के वजह से अभी सारी झाड़ियाँ सूख चुकी है सूरज के रोशनी के वजह से, तो उतनी दिक्कतों का सामना हमें करना नहीं पड़ेगा। और बारिश में यहाँ पर पानी रहता है, पानी बहने के कारण वहाँ पर हमें जान का खतरा रहता है क्योंकि वहाँ पर पैर फिसल सकता है, लेकिन अभी भी वहाँ जाते समय हमें सतर्कता से जाना पड़ेगा क्योंकि उस इलाके में जिसे तेंदुआ कहते हैं तेंदुए की संख्या वहाँ पर बहुत ही है और जो सांप या बिच्छू वह सारी चीज़ों का हमें सामना करना पड़ेगा। तो चलिए आज का यह वीडियो हम शुरू करते हैं, तो वहाँ तक जाने की कोशिश अभी हम करते हैं। तो चलिए हम जाते हैं इस कराड़
कुम्हारवाड़ी नाम के गांव में इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं की जानकारी लेने की कोशिश करेंगे और इनका निर्माण वहां पर कैसे हुआ यह भी देखने की कोशिश करेंगे। चलिए तो आज का यह वीडियो हम शुरू करते हैं। पाथर्डी तालुक्यामध्ये शिरापूर गाव आहे। शिरापूर तालुका पाथर्डी जिल्हा अहमदनगर आणि या कड्या कापरात या सटई देवीचं आणि तारकेश्वरचं देवस्थान आहे। इतकं पवित्र देवस्थान आहे का या देवस्थानाला जो भाविक येईल त्या भाविकाला ही देवी आणि तारकेश्वर महाराज हे पावतात। श्रावण महिन्यामध्ये या देवीची नवरात्रामध्ये यात्रा असते। यात्रा म्हणजे काय, सवसणी वगैरे जे नवसं हवसं करणारे ते लोक त्यावेळेस येतात आणि खूप पावती या देवीचं जे पथ्य पाळीन या देवीला जो भजन मनातून बोलन प्रत्यक्षात ती पावल्या बिगर राहत नाही। आणि या देवीचं रोड रस्ता नसल्यामुळं काही काही लोक आम्हाला विचारतात। बाबा आपलं नाव? शिवाजी नामदेव पाखरे। बाबा ते कराड कराडवाडीमध्ये आहे का? आणि कराडवाडीचा पलीकडचा शिवारी पलीकडच्या साईडचा, पण शेरापूरच्या शिवारामध्येच ही देवी सटई देवी। तर तुम्हाला सांगतो काही काही जळगाव जिल्ह्यातले माणसं या देवीला आले आणि अक्षरशः त्या माणसाचं वय होतं 46 आणि त्या बाईचं वय होतं मला वाटतं 35 आणि 38 दरम्यान। माणसं नोकर टापचे होते पण त्यांना प्रत्यक्षात लेकरूबाळ नव्हतं। पगार भरपूर, पैसा भरपूर, पण पोटी पुत्र नाही। तर तुम्हाला सांगतो देवीला मी त्या ठिकाणीच असतो आणि मी देवीला देवीची माहिती त्यांना सांगितली। साक्षात सात खेटी करायच्या सांगितलं महाराज, सात खेटी तिने केल्या। खेटीचं सगळं सामान आणलं आणि सटी साक्षात प्रसन्नता झाली आणि आवळे जावळे दोन मुलं झाले पहा। आणि मग त्यांनी बकऱ्याचा बी नवस फेडला, गोडधोडं बी केलं आणि ते आज माझ्याकडं येतात। ते मला म्हणतात बा तुम्ही रोडसाठी कधी मागणी म्हणजे आम्हाला कधी पैशाची मागणी करा तरी आम्ही देऊ इच्छित। पण इथं गंमत अशी इदले गावचे सरपंच उपसरपंच हे काय लोक मनोर धरिनात हे म्हणतात फॉरेस्ट खातं। किती वर्षापासून जातात तिथे मंदिरात? मंदिरात मी जवळजवळ मढीहून आल्यापासून म्हणजे मढीहून मला जवळजवळ 30 वर्ष झाले बा। अच्छा, तेव्हापासून जातात? तेव्हापासून, कारण माझ्याकडे बकऱ्या असतात, गुरं असते, जंगल मध्ये चणर चारायला जात असतो मी। त्याच्यामुळे आणि देवीची आणि तारकेश्वरची मी झाडलोटं बी करतो, देवावती करतो। हा हम आए हुए हैं सिरापुर गांव में से कराड़वाड़ी नाम के गांव में। यहीं पर यह प्राचीन बौद्ध गुफाएं स्थित है। आप यहां पर मेरे पीछे रास्ता देख सकते हो। यहां पर इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं तक जाने के लिए
कोई भी रास्ता नहीं है। यहाँ के गांव के लोगों का कहना है यह गुफा नहीं बल्कि सटवाई नाम की जो देवी है, जो माता है, उसका मंदिर है। और अभी कुछ देर पहले हमने सिरापुर गांव में के एक पुजारी का हमने ये लिया, इंटरव्यू लिया, तो उसमें उन्होंने यह जो देवी है, यह जो माता है, वह कैसे प्रकट हुई और यहाँ पर लोग कैसे आने लगे उसके बारे में जानकारी दी है। और हमारे साथ नगर के रहवासी है, आइए आप यहाँ पर, विशाल गायकवाड़ सर है, यह भी यहाँ पर आ चुके हैं। तो सर, आपको इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं के बारे में कैसे पता चला, कहाँ से जानकारी प्राप्त हुई? मैंने एक बार गूगल पर हमारा पाथरडी नामक तालुक का सर्च किया था, तो उस टाइम वहाँ पर एक इमेज आई उस देवी की, तो मैंने डिटेल्स में जाना, घर वालों को पूछा, तो उन्होंने बोला ये सटवाई नामक देवी है, वो नमस करते उसको, ऐसा अंधश्रद्धा करते है लोग बहुत सारे, तो इस वजह से मैं यहाँ पर एक बार आया था, तो मैंने देखा, मुझे स्तूप जैसा लगा, तो लगने के बाद मुझे लगा कि यहाँ पर भिक्षु लोग आते होंगे, ध्यान धारणा करते होंगे, इसलिए मुझे थोड़ा गलत लगा ये चीज़। हाँ। तो मैंने आपको कांटेक्ट किया जी, तो आपको आप आए, अच्छा लगा फिर। जी जी जरूर। आप पहली बार कब आए यहाँ पर? एक 6 महीने पहले आया था। और यहाँ के लोगों को जानकारी है इसके बारे में? हाँ है, लेकिन मतलब वो क्या करते हैं ना, हाँ। उनकी जानकारी ऐसी गलत है, वो जानकारी मेरे अपने लोग यहाँ पर बौद्ध समाज के लोग हैं जो इसके बारे में जानते हैं? नहीं, ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन मैंने फ्रेंड सर्कल में फॉरवर्ड मैसेज किया था, तो कुछ संगठना के लोग आए थे देखने के लिए यहाँ पे, एक बार आए थे, उन्होंने देखा फिर गए, बाद में कुछ ऐसा कुछ आए नहीं लोग, जी जी बौद्ध लोग नहीं आए फिर कुछ। जी हाँ, यहीं से पास में अभी इन प्राचीन बौद्ध गुफा की जानकारी लेंगे। इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का निर्माण यहाँ पर क्यों किया गया है और यहाँ पर क्या एक्टिविटी होती थी, इसकी भी जानकारी हम लेने की कोशिश करेंगे। यह प्राचीन बौद्ध गुफाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऐसी महत्वपूर्ण जगह पर इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का निर्माण किया गया है, जो आपको इस वीडियो में आगे देखने को मिलेगा। तो यह वीडियो आपसे अनुरोध है, अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, किस प्रकार सारे भारत भर में यह जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं या फिर इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं में के जो शिल्प है या फिर प्राचीन शिल्प है, उन्हें भगवान समझकर आज लोग पूछते हैं। दरअसल वह कोई भगवान नहीं बल्कि प्राचीन काल में जो तथागत बुद्ध के अवशेष है वह है, और उन्हें ही भारत भर में भगवान समझकर पूजा जाता है। चलिए हम जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। अभी हम इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं के आधे रास्ते में आ चुके हैं और यहाँ पर देखिए, हमें सीधी सीधी चढ़ाई करनी है, लगभग 50 से 60 डिग्री की चढ़ाई करनी पड़ती है। और ऐसे जगह पर आते समय आप सतर्क रहा करें, अपने साथ में एक दो लोग लाया करें और साथ ही में आपके पास में पानी ज़्यादा से ज़्यादा रखें, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो मौसम है बहुत धूप बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, उसके कारण यहाँ पर हम डिहाइड्रेट हो सकते हैं, हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो सकती है और उसका खामियाजा हमारे शरीर को भुगतना पड़ता है। देखिए आप पीछे का माहौल देखिए, दूर दूर तक यहाँ पे कोई नहीं है और यहाँ पर ये पहाड़ी भी देखिए आप इस प्रकार के हैं, तो आगे जाने की कोशिश करेंगे हम। देखिए यहाँ पर आमतौर पर बारिश में बहुत पानी बहता होगा, आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर वाटरफॉल हुआ करता था, वो अभी फ़िलहाल के लिए डेड है क्योंकि अभी बहुत गर्मी है और धूप है, धूप के कारण अभी पूरा जो पानी है वह सूख गया है। पहाड़ियों के ऊपर जो पानी जमा होता है वहीं से यहाँ पर पानी बहता है और उस समय पे भी यहाँ पर आना खतरे से खाली नहीं है और इस समय पर भी आना खतरे से खाली नहीं है। बारिश में आमतौर पर ऐसी जगहों पर पैर फिसलते हैं और उसकी वजह से हमें जख्म हो जाती है, और अभी जो सीज़न है धूप का समय है, इस समय पे हमारा शरीर जो है डिहाइड्रेट होने लगता है। और दूसरी बात, यहाँ पर अकेले क्यों नहीं आना चाहिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ, ऐसी जगह पर ज़्यादातर तेंदुए रहते हैं और वह यहाँ पर आपको अकेला देखकर या फिर दो लोग को देखकर वह आपके ऊपर हमला कर सकते हैं और आपके जान के ऊपर आ सकते हैं।
आइए। आप सोच सकते हो प्राचीन काल में यहाँ पर जो भिक्खु संघ रहा करता था इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं में, वह सुबह मतलब सुबह के समय पे इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं से निकलकर यहाँ के नजदीक के गांव में, यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर गांव हुआ करते थे और वहाँ पर पिंडपात करने के लिए यानी कि भिक्षा मांगने के लिए जाते थे। और संध्या होने से पहले बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर या फिर लोगों को ज्ञान देकर वह वापस आते थे और संध्या होने से पहले इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं में वह आकर बस जाते थे। इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का जो निर्माण है महाराष्ट्र में आमतौर पर वर्षावास के समय पर जो नैसर्गिक आपत्ति आती थी उन नैसर्गिक आपत्तियों से बचने के लिए और साथ ही साथ बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए किया गया था। और यह जो प्राचीन बौद्ध गुफा है, यह प्राचीन बौद्ध गुफा एक प्राचीन व्यापारी मार्ग पर इसका निर्माण किया गया है। इसके लिए यहाँ पर प्राचीन काल में जो श्रेष्ठी यानी कि जो व्यापारी यहाँ पर रहा करते थे, गुजरा करते थे, वह भी यहाँ पर रहा करते थे। अभी हम आए हुए हैं इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं के पास जिन्हें सटवाई कहा जाता है। देखिए दरअसल यह मंदिर नहीं है बल्कि यह प्राचीन बौद्ध गुफाएं है। यह सटवाई नाम की देवी यहाँ पर बिठा दी गई है और हाल ही के समय में यह अतिक्रमण हुआ है। और आप ऊपर देख सकते हो यहाँ पर आना खतरे से खाली नहीं है क्योंकि यहाँ पर फिलहाल आप देख सकते हो मधुमक्खियों के छत्ते हैं यहाँ पर, तो एक्टिव मधुमक्खियाँ हैं। तो ऐसे जगह पर आते समय आप अपना ख्याल रखिए। देखिए इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं की जो शुरुआत है यहाँ की, यह एक नंबर प्राचीन बौद्ध गुफाएं है। यह एक नंबर प्राचीन बौद्ध गुफाएं हमें यह एक बड़ा चैत्य दिखाई देता है। और यहाँ पर देखिए थोड़ी मिट्टी जमी हुई है और यहाँ पर एक इस चैत्य के अंदर जाने के लिए मार्ग दिखाई देता है। और ऊपर देखिए आप ऊपर के हिस्से में यहाँ पर जिसे कमान कहा जाता है पिंपलाकृति कमान होती है, मतलब पीपल के पत्ते के आकार की कमान होती है। और यहाँ से एक वातायन होता है, वातायन में से जो सूर्य प्रकाश होता है वो सीधे जाकर अंदर जो स्तूप हमें दिखाई देता है उस स्तूप के ऊपर यह सूर्य की किरणें पड़ती है। तो आइए इस पहली प्राचीन बौद्ध गुफाओं में हम चलते हैं जो कि यह एक चैत्य है। यहाँ पर देखिए इस चैत्य का जो कार्य है यहाँ पर हमें अधूरा छोड़ा दिया गया दिखाई देता है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो आप महाराष्ट्र में की जो अन्य प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं जिनमें कानेरी हो या फिर कारला प्राचीन बौद्ध गुफाएं हो, फिर बाजे हो या फिर बेडसे हो, वहाँ पर हमें इस प्रकार के चैत्य दिखाई देते हैं। और इन चैत्यों में यहाँ पर प्राचीन काल में जो भिक्खु संघ यहाँ पर रहा करता था, जो बौद्ध भिक्खु यहाँ पर रहा करते थे, उन्हें यहाँ से प्रदक्षिणा करने के लिए यहाँ पर एक प्रदक्षिणा मार्ग बनाने की कोशिश की गई। देखिए यहाँ पर ये पिलर्स एक पूरा था वह टूट चुका है और वहाँ का भी एक पिलर का हिस्सा हमें दिखाई देता है प्रदक्षिणा पथ के मार्ग के यहाँ का, वहाँ पर एक डोर बनाने की कोशिश की गई है लेकिन वह भी अधूरा है। यहाँ पर दूसरा पिलर्स बनाने की कोशिश की गई थी, यहाँ पर इस पत्थर को तराशा गया फिर बाद में इसे अधूरा छोड़ दिया गया। ये पत्थर तो ठीक ठाक है, यहाँ पर यह कार्य हो सकता था लेकिन उस समय में यहाँ पर जो भी राजवटें थी या फिर जो भी राजाश्रय था वहाँ उस समय पर यहाँ पर निधि कम गिरा होगा, उसके लिए यहाँ पर यह जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं यह हमें अधूरी दिखाई देती है। इस चैत्य में देखिए आप ऊपर का जो हिस्सा है, आप देखिए ऊपर का हिस्सा यह पूरी तरीके से बन चुका था और बाद के समय में यहाँ पर जो ये स्तंभ दिखाई देते हैं, देखिए मैं इस स्तंभ के बारे में आपको जानकारी दूँ, यह जो स्तंभ आपको दिखाई दे रहा है इसे अष्टकोणी पिलर्स कहा जाता है। यह तथागत बुद्ध के आर्य अष्टांगिक मार्ग को दर्शाता है। तो यह इस प्रकार का पिलर्स है और ऊपर जैसे मैंने आपको दिखा ऊपर यहाँ पर हमें गजपृष्ठ आकार यानी कि हाथी के जो पीछे का हिस्सा है उस प्रकार का यहाँ पर एक चैत्य दिखाई देता है। और इस चैत्य में आप देखिए फिलहाल तो यहाँ पर जो यहाँ की जो देवी है सटवाई, उसका यहाँ पर चित्र हाल ही के समय में यहाँ के लोगों ने अज्ञानता की वजह से बनाया हुआ है। हमने उस पुजारी से बात की तो उस पुजारी ने कहा यहाँ का एक जो आदमी है यहाँ पर आया करता था, उसे कई सालों से संतान प्राप्त नहीं हुआ था और उसने यहाँ पर मन्नत मांगी, उसे यहाँ पर संतान प्राप्त हुई और उसे संतान प्राप्त होने के कारण उसने यहाँ पर यह जो प्रतिमा आपको दिखाई दे रही है इसका निर्माण कराया और इसे बनाया। और यहाँ पर आप देख सकते हो
ये तो गजपृष्ठ आकार हमने चैत्य देखा, और नीचे यहाँ पर हमें एक स्तूप दिखाई देता है, और यह स्तूप को आप इसका निरीक्षण कीजिए, यहाँ पर यह स्तूप हमें पूरा दिखाई देता है, मतलब यह स्तूप उस समय में इसे पूरा बनाया गया था, क्योंकि यहाँ पर इस स्तूप के ऊपर का हिस्सा हमें तोड़ा हुआ दिखाई देता है, यानी कि हाल के समय में लोगों के अज्ञानता की वजह से यहाँ पर यह जो स्तूप है यह बिखरा पड़ा हुआ है, यह टूटा हुआ है। यहाँ पर यह स्तूप पूरा था, इसके जो लक्षण है यहाँ पर जो टूटा हुआ हिस्सा है उसके ऊपर से दिखाई देते हैं। और इसी स्तूप में प्राचीन काल में यहाँ पर जो अरहंत बौद्ध भिक्खु रहा करता था, जो दुख मुक्त हुआ करता था, उसकी यहाँ पर अस्थियाँ रखी जाती थी, और इस स्तूप को तथागत बुद्ध की प्रकृति समझकर उस काल में देखा जाता था, और इसे उस तरीके से इसको प्रिजर्व किया जाता था। लेकिन हाल ही के समय में आप देख पा रहे हो यहाँ पर इन लोगों ने, मतलब यहाँ के जो उपासक हैं, जो आज यहाँ पर हम देख पा रहे हैं वैदिक जो परंपरा है उसको वह लोग ज़्यादातर पूछते हैं, यहाँ पर भगवान की निर्मित की गई है, लेकिन इन्हीं के पूर्वजों ने जो प्राचीन काल में बौद्ध धर्म का हिस्सा थे, उन्होंने यहाँ पर इस प्राचीन बौद्ध गुफा का निर्माण करने के लिए दान दिया था, ऐसे उल्लेख और ऐसे शिलालेख हमें महाराष्ट्र की तमाम प्राचीन बौद्ध गुफाओं में दिखाई देते हैं, चाहे वो कोळी हो, माळी हो, साळी हो, अग्री हो, या किसी भी वो जाति का आज के समय में हो, वह प्राचीन काल में बौद्ध था, उसके हमें जो संदर्भ है वह मिलते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है यहाँ पर प्राचीन काल में शिलालेख हुआ करता था, और वह शिलालेख यहाँ पर लोगों ने काम किया उसके कारण यहाँ पर मिटा दिया गया, ऐसे ये जानकारी मिलती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक हिस्सा था, यहाँ पर उस हिस्से को तोड़ दिया गया, और यहाँ पर हमें मिट्टी और ईटा भरी हुई दिखाई दे रही है। यहाँ की और एक महत्वपूर्ण बात बता दूं आपको, यहाँ पर शायद से पानी गिर रहा है ऊपर से, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गीलावा है, यानी कि यहाँ पर पहाड़ियों में पानी है, उसका यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी गिरता हुआ हमें दिखाई देता है। और इस स्तूप की दूसरी खासियत यह, आमतौर पर जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं और महाराष्ट्र की तमाम जगह पर है, पुणे हो, मुंबई हो, नासिक हो, वहाँ के स्तूपों को जो वेदिका पट्टी दिखाई देती है उन स्तूपों पर, यहाँ पर भी उस प्रकार की वेदिका पट्टी थी, उसके अवशेष हमें दिखाई दे रहे। आइए अब यहाँ पर, यह एक पूरा स्तूप था, उस स्तूप को यहाँ पर तोड़ दिया गया है, और टूटा हुआ हिस्सा जो है वह इस प्रकार का है। देखिए आप, यहाँ पर यह स्तूप यहाँ से तोड़ दिया गया है, देखिए यह एक स्तूप है, और इस स्तूप में अस्थियाँ रखी जाती थी प्राचीन काल में, यहाँ पर जो भिक्षु संघ रहा करता था, या फिर यहाँ पर जो अरहंत बौद्ध भिक्षु थे उसके उनको यहाँ पर उनको मान वंदना दी जाती थी, और उनकी याद में इन स्तूपों का निर्माण किया जाता था। अभी यह जो प्राचीन बौद्ध गुफा है, यह प्राचीन बौद्ध गुफाएँ है, यह जो सिद्ध होता है, यह जो चैत्य है, इस चैत्य से सिद्ध होता है यह एक प्राचीन बौद्ध गुफा है, और साथ ही साथ यहाँ का जो स्तूप है, और स्तूप पर यहाँ पर हमें वेदिका पट्टी दिखाई दे रही है, इससे तो कन्फर्म हो गया यह प्राचीन बौद्ध गुफा है, और यहाँ पर लोगों ने अंधकार और अज्ञान की वजह से अतिक्रमण किया हुआ दिखाई देता है, क्योंकि देखिए आप, जो लगभग 700 साल का अंधकार था, लोग 700 साल अज्ञान में थे, 14वीं शताब्दी के बाद यहाँ पर लोग जो है अपनी मूल सभ्यता, मूल संस्कृति से दूर हुए, और वह आज हमें अज्ञान में फंसे हुए दिखाई देते हैं। जो प्राचीन काल में यहाँ से दुख मुक्ति का मार्ग बताया जाता था, लोगों के जीवन में जो चार आर्य सत्य है, उन चार आर्य सत्यों का पालन लोग करते थे, और साथ ही साथ बाद में आर्य अष्टांगिक मार्ग का भी पालन करते थे, और इन सब चीज़ों का अनुसरण कर वह दुख मुक्ति की ओर बढ़ा करते थे, यानी कि किसी भी प्रकार का कर्म कांड या किसी भी प्रकार के अकुशल कर्म न कर वह उस समय में दुख मुक्ति की ओर बढ़ा करते थे। लेकिन आज क्या होता है, आज सिर्फ लोग जो है अंधकार, अज्ञान और अंधश्रद्धा में ज़्यादा डूबे हुए दिखाई देते हैं, और इससे क्या होता है, लोगों की और हानि होती जा रही है, और लोग जो है आज दुनिया में जो माहौल बना हुआ है, या फिर आज इंसान इंसान को इंसान की तरह नहीं देख रहा, उसका कारण यही है, लोग आज अज्ञान अज्ञान और अंधश्रद्धा में डूबे हुए हैं, और जो मुख्य दुख मुक्ति का मार्ग तथागत बुद्ध ने जिसका शोध लगाया था वह मार्ग आज अधूरा रह चुका है।
और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर देखिए प्राचीन काल में तथागत बुद्ध का जो धम्म है वह प्राणी मात्रा के ऊपर दया करो ऐसे बताया करता था। यहाँ पर देखिए पानाति पाता वेरमणि सिक्का पदंग समाधि आमी, लेकिन आज उसके विपरीत यहाँ पर कार्य होता है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर यज्ञ दिखाई देता है और यहाँ पर यज्ञ कर कर जो प्राणी है यहाँ पर बकरिया है या फिर जो मुर्गे है उन्हें काटा जाता है और उनकी बलि यहाँ पर दी जाती है। देखिए वह इस प्रकार का इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का जो उपयोग है आज के समय में किया जाता है। यह जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का निर्माण एक प्राचीन व्यापारी मार्ग पर किया गया है। जैसे मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा यह मार्ग आता है कल्याण से, कल्याण से नानी घाट का मार्ग आया हुआ है, नानी घाट से आगे यह जो प्राचीन व्यापारी मार्ग है, बीच में जुन्नर यह प्राचीन नगरी लगती है जिसे प्राचीन काल में जीर्ण नगर कहा जाता था और जीर्ण नगर से आगे प्रतिष्ठान यानी कि आज का जो पैटर्न है जिसे प्राचीन काल में प्रतिष्ठान कहा जाता है वह सातवाहनों की राजधानी हुआ करती थी और उसी के बीच में यह जो अहमदनगर जिला है यहाँ के यहाँ का जो पातरड़ी नाम का तालुका है इस पातरड़ी तालुके में यह जो गांव है कराड़वाड़ी यहाँ पर यह हमें प्राचीन बौद्ध गुफाएं दिखाई दे रही है। उसमें का यह जो पहली गुफा है यह एक प्राचीन चैत्य स्तूप है यह हमें दिखाई दे रही है और इसके कारण मतलब यहाँ पर यह बीच में का मतलब पैठन और जो नानी घाट है इसके बीच में का यह मार्ग है और इसके लिए यहाँ पर इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का निर्माण हुआ हमें दिखाई देता है। यहाँ पर प्राचीन काल में व्यापारी भी ठहरा करते थे। आगे हमें और भी बहुत सारा यहाँ का स्ट्रक्चर दिखाई देगा उसकी हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। देखिए यह एक स्तूप है, यह कोई सटवाई देवी का मंदिर नहीं है, तो मैं यहाँ पर जो नगर तहसील के जो रहवासी है उनसे मैं अनुरोध करता हूँ आप ऐसी अज्ञानता के वजह से जो हमारी प्राचीन भारत की धरोहर है और जो हमारी प्राचीन मूल सभ्यता है आप उसके नामों निशान नहीं मिटा सकते, तो आपसे अनुरोध है इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं को बचाने के लिए आप आगे आए और इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं को उनको न्याय देने की कोशिश करें। जो मेरे बांधव यह जो वीडियो देख रहे हैं जो दूसरे समाज के हैं मैं उनसे भी अनुरोध करता हूँ कि आप अज्ञान की वजह से ऐसे जगह पर इस प्रकार का अतिक्रमण ना करें क्योंकि यह हमारे प्राचीन भारत की धरोहर है और यह इतिहास है और अगर हम यह इतिहास झूठे तरीके से आने वाली कौम को दिखाएंगे तो हमारी आने वाली कौम भी झूठा इतिहास आगे लेकर चलेगी। तो चलिए आगे की प्राचीन बौद्ध गुफाओं की जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। देखिए इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं के दूसरे हिस्से में यहाँ पर हमें दालन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर शायद से एक ध्यान कक्ष बनाने की कोशिश की गई थी लेकिन वह यहाँ पर हमें जो नीचे का हिस्सा है इस पहाड़ी का वह गिर चुका है। यहाँ पर कुछ साल पहले नैसर्गिक आपत्ति आई होगी उसके कारण यहाँ का जो कुछ हिस्सा है वह जमीन के अंदर धंस गया है और कुछ जो पहाड़ है यहाँ के वह बिखरे हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे, जो पत्थर यहाँ के हैं वह बिखरे हुए हमें दिखाई देते हैं। देखिए वो इस प्रकार के यहाँ पर यह ध्यान कक्ष है। आइए आगे आप ऐसी जगहों पर आते समय मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ आप सतर्क होकर आया करें क्योंकि ऐसे जगह पर आना खतरों से खाली नहीं है, बहुत जोखिम भरा है। यहाँ पर देखिए पहले तो मैं जहाँ पर खड़ा हूँ यहाँ पर बहुत कांटे हैं, कांटों भरी ये जगह है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कम से कम 5 से 6 फुट इतना बड़ा सांप यहाँ पर रहता है इस जगह पर। देखिए उसकी यहाँ पर ये हमें कात दिखाई दे रही है, केंचुली जिसे कहते हैं। देखिए ये सांप की केंचुली देखिए आप, ये देखिए पापा, ये देखिए इतना बड़ा यह सांप हुआ करता था, उसका आधा हिस्सा वहाँ पर गिरा हुआ है, ये केंचुली है सांप के। देखिए आप देख पा रहे हो 6 फुट इतना बड़ा यहाँ पर सांप है इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं में, देख पा रहे हो। तो यहाँ पर आते समय आप अपना हमेशा ख्याल रखें, बहुत चौड़ाई में भी बड़ा था और लंबाई में भी 6 फुट ऐसा यह सांप यहाँ पर है। तो ऐसे जगह पर आते समय आप अकेले आया ना करें, यह मैं आपसे निवेदन करता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो आप इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं में यहाँ पर एक प्रशस्त विहार हमें दिखाई दे रहा है, वह विहार इस प्रकार का है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर छोटे छोटे ध्यान कक्ष थे और यहाँ का पत्थर कमजोर होने के कारण ये जो देखिए ये सारा हिस्सा ढह गया है और यहाँ पर हमें ये देखिए इस यह जो पत्थर है इसमें हमें मुरुमता दिखाई देती है और यहाँ पर लाल मिट्टी दिखाई देती है। इसके वजह से यह जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं है यहाँ पर नैसर्गिक आपत्ति के कारण ढही गई है और उसके कारण यहाँ पर बड़ा नुकसान हुआ हमें दिखाई देता है। और यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर शायद से मेरा अंदाज़ा गलत ना हो तो यहाँ पर एक स्तूप था, यह स्तूप का एक हिस्सा है। देखिए
विहार में कभी भी ऐसे जो विहार है, इन विहारों में कभी भी स्तूप हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन यह ऐसी पहली प्राचीन बौद्ध गुफा होगी। यहाँ पर विहार के अंदर स्तूप निर्माण किया गया था। देखिए आप, यह एक चौंकाने वाला, और जो मैंने आज तक जितने भी वीडियो बनाए हैं उसमें से सबसे अलग और सबसे वैशिष्ट्यपूर्ण ऐसी यह घटना है। देखिए, यह एक स्तूप है और मैं इसकी गारंटी दूंगा आपको, यह स्तूप था और यह जो स्तूप है यहाँ से ढह गया है। यानी कि विहार में पहली बार मैंने स्तूप देखा है। और यह स्तूप देखिए, जो प्राचीन काल में अरहंत बौद्ध भिक्खु रहा करते थे, उनके स्मरणार्थ इन स्तूपों का निर्माण किया जाता था। और इस प्रकार का स्तूप ऐसे प्रशस्त विहार में मैंने पहली बार देखा है। देखिए, यह स्तूप यहाँ पर ढह चुका है। और यहाँ पर देखिए, ये हॉल देख रहे हो, ये छोटे छोटे ध्यान कक्ष है यहाँ पर, और यहाँ पर लोगों की अज्ञानता हमें दिखाई देती है। यहाँ पर भी कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश की गई थी। देखिए, यहाँ पर भी शायद से स्तूप बनाने की कोशिश की गई होगी, क्योंकि हमें ऊपर का हिस्सा जो छतावली की तरह दिखाई दे रहा है। यानी कि यह जो प्राचीन बौद्ध गुफाएँ है, यह बहुत ही वैशिष्ट्यपूर्ण और बहुत ही अलग थी, ऐसे यहाँ पर आने के बाद प्रतीत होता है। तो सोचिए, अगर यह गुफा सही हालत में होती तो आज यह जो यहाँ का माहौल है और यह जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं है, वह देखने में कितनी बेहतर होती। लेकिन हम देख पाते हैं, हाल के समय में यहाँ पर लोग आते हैं, यहाँ पर बकरे काटते हैं और उन बकरों को काट कर यहाँ पर देखिए, यह चूल्हा बनाया गया है गोल, और यहाँ पर उसे पकाते हैं। देखिए, वह इस प्रकार का है। देखिए, यह लोगों की अज्ञानता है, सारे महाराष्ट्र भर में ऐसी प्राचीन बौद्ध गुफाओं को फिलहाल तो हमें हाईजैक किया हुआ दिखाई देता है, और यह हमें अतिक्रमण दिखाई देता है। यह हमारे प्राचीन भारत की धरोहर है, यह हमारे पूर्वजों की निशानी है, तो हमें इन्हें बचाना होगा और उसका संवर्धन करना होगा। तो मेरा आपसे विनम्र अनुमोदन है, यहाँ के लोग या फिर भारत भर में के लोग इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के वीडियो देखते होंगे, तो आपसे मेरा सादर प्रणाम और आपको सादर निवेदन है कि ऐसे प्राचीन बौद्ध गुफाओं पर आप जो जाए, तो अज्ञानता को बाजू में रखकर आप इन प्राचीन, यह एक प्राचीन भारत की धरोहर है और हमारी विरासत है, और यह इनका जो निर्माण है आज से 2000 साल पहले हुआ था, इसके लिए इन्हें बचाने का आप प्रयास करें। तो अज्ञानता का शिकार ना होकर आप ज्ञानी बने, यह आपसे अनुमोदन है आपसे। तो साथियों, इसी प्रकार के वीडियो इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के ऊपर आते रहेंगे। यह आखिरी हिस्सा है यहाँ का, तो इसकी जानकारी हमने ली। तो आपसे अनुरोध है, आप यह जो वीडियो देख रहे हो, यह वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और नगरवासियों से आपसे अनुरोध है, इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का संवर्धन करने के लिए आप एक कदम बढ़ाएं। तो ज़रूर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट दें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि इस चैनल पर आने वाले वीडियो आप सबसे पहले देख पाओगे। और साथ ही साथ आपको यह जो बोधिसत्व का कार्य है, यह मेरा कार्य आपको अच्छा लगता होगा, तो इस कार्य को आप आर्थिक सहयोग करके इस कार्य को आगे लेके जाने का काम कर सकते हो, क्योंकि यह जो चैनल है, यह महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र के बाहर भी जो तमाम प्राचीन बौद्ध गुफाएं, तमाम प्राचीन बौद्ध स्तूप, तमाम प्राचीन बौद्ध विरासत, जो बौद्ध अवशेष है, उसको उजागर करने का काम करने वाला है, भारत के कोने कोने में आपको लेके जाने वाला है। इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल ने अपनी पूरी जिंदगी इस कार्य को समर्पित की है, तो आप उसको ध्यान में रखते हुए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करना ना भूलें। तो मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, अगले जानकारी के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, ठीक है। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। Thank you.